यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आपको बता दें, अनिल मोर हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल मोर के पास सीधा चलते हैं। अनिल मोर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पार्षद उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। देखिए, फिलहाल मैं हरियाणा भवन में हूँ। इसी हरियाणा भवन में जो दिन भर है वो बैठकें चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी फिलहाल हरियाणा भवन में है, दोपहर तक वो हरियाणा भवन में रहेंगे। जो बैठकों की अगर बात करें, जो हिसार नगर निगम को लेके बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर बैठक स्टार्ट हो चुकी है। जो क्योंकि 5 नगर निगम है, 5 नगर निगमों में बीजेपी को अपने उम्मीदवार अनाउंस करने हैं। तो जो बैठकें होगी वो जिलेवार बैठकें होगी। सबसे पहली बैठक हिसार नगर निगम को लेकर चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, महामंत्री संजय भाटिया इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो बीजेपी हिसार के जिला अध्यक्ष है पूनिया, वो इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो वहां के स्थानीय विधायक है कमल गुप्ता, वो इस बैठक में मौजूद है। फिलहाल हिसार को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि आखिरकार जो बीजेपी को हिसार में टिकटें देनी है वो टिकट किस तरह से देनी है, किस तरह के जाति के समीकरण बैठाने, किन किन उम्मीदवारों पर दाव लगाया जा सकता है। हिसार की बैठक के बाद जो दूसरे जिलों की बैठकें वो बैठकें स्टार्ट होगी। पानीपत, करनाल, यमुनानगर, रोहतक, सभी बैठकें जिलेवार बैठकें होनी और जब जब बैठक होगी उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट तो रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के महामंत्री है वो रहेंगे, जो स्थानीय विधायक है उन जिलों के वो स्थानीय विधायक रहेंगे। इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष है वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिला प्रभारी बैठक में रहेंगे। और बीजेपी ने कल देर रात जो मेयर पद के उम्मीदवार थे उनकी घोषणा कर दी है। फिलहाल जो बीजेपी की तरफ से टिकटें अनाउंस की जानी है, पार्षदों की टिकटें अनाउंस की जानी, क्योंकि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पार्षद का चुनाव भी अपने पार्टी सिंबल पर लड़ रही है। अगर इनेलो की बात करें, इनेलो सिर्फ और सिर्फ इनेलो बीएसपी मेयर पद का जो वोट, मेयर पद का जो चुनाव वो अपने पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। कांग्रेस इन चुनावों से दूर भाग चुकी है। इसके अलावा चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, कोई भी दल अपने पार्टी सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ रहा है। इकलौती बीजेपी ऐसी पार्टी है जो पार्षद का चुनाव अपने पार्टी सिंबल पर लड़ रही है। कोशिश रहेगी कि शाम तक ये बैठकें खत्म हो जाए और जो बीजेपी के उम्मीदवार हो सबके सामने आ जाए। जी, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे तरीके से फोकस लग रही है नगर निगम चुनावों को लेकर, क्योंकि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना और उसके साथ ही जहां पर अन्य जो राजनीतिक दल है इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के पत्ते खुलने का और बीजेपी अपने काम में मशगूल है, बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जिताऊ उम्मीदवार तक पहुंची जाए, फोकस लग रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में, हरियाणा भवन में फिलहाल काफ़ी चहलकदमी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद है, मुख्यमंत्री दोपहर तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ खड़ी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जिन जिन जिलों की टिकटें अनाउंस की जानी है वहाँ के जिला अध्यक्ष, जो विधायक है वो विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस चहलकदमी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी में टिकटों को लेकर कितनी मारामारी है। अगर मेयर पद की बात करें, मेयर पद को लेकर बीजेपी के पास 100 से ज़्यादा आवेदन आए थे। कुल 5 जो वहाँ पे मेयर पद के उम्मीदवार थे, 100 से ज़्यादा वहाँ पे लोगों की तरफ से आवेदन वहां पे बीजेपी में किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें जो पार्षदों की, अगर बात करें पार्षद पद के लिए बीजेपी के पास टिकटों की भरमार है। जो बीजेपी के काफी कार्यकर्ता पदाधिकारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो टिकटें मांग रहे हैं, क्योंकि अगर भी मैंने आपको बताया बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी जो पार्षद पद का चुनाव अपने पार्टी सिंबल पर लड़ रहे, तो ऐसे में बीजेपी में टिकटों की काफी मारामारी है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर लगातार मंत्रणा चल रही है। हरियाणा निवास में जो पहली चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चला। 3 दिन तक लगातार वहां पे बैठकें चली जिनमें संगठन मंत्री और बीजेपी के महामंत्री उन बैठकों में मौजूद थे। उसमें कहना है कि काफी हद तक जो एक जो लिस्टें वहां पे छांटी गई थी, जो नाम वहां पे फाइनलाइज किए गए थे, जो बैठक होनी उन बैठकों में हर वार्ड से 4 से 5 नाम रखे गए। उन 4 से 5 नामों का जो पैनल, उन पैनल में चर्चा होगी, लगातार दिन भर बैठकें चलती रहेगी। एक बार मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक होनी, उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से। अनिल मोर, अभी आपने बात की टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं मारामारी बीजेपी में देखने को मिली, पार्षद के लिए 300 से ज्यादा आवेदन आए थे पार्षद पद के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने यह चुनौती है कि उम्मीदवारों में नाराजगी ना हो और साथ ही जिताऊ प्रत्याशी तक पहुंचना, इन दोनों में सामंजस्य बिठाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाना गलत नहीं होगा।
बिल्कुल देखिए, बीजेपी नहीं चाहती किसी तरह की नाराजगी हो, क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया था, लेकिन जो गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव था वहां पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी थी। बीजेपी कहीं ना कहीं हार गई थी, उसकी वजह गुटबाजी थी, जो एक जो टिकट नहीं मिली थी उस वजह से कई पार्षद पद के जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी से नाराज हो गए थे। वैसी गुटबाजी, वैसी नाराजगी इन 5 नगर निगमों में देखने को ना मिले, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से टिकटें उसी हिसाब से वितरण की जाएगी। इन टिकटों में जातिगत समीकरण बैठाए जाएंगे, जो पार्टी के निष्ठावान या पुराने कार्यकर्ता है या जो नए लोग पार्टी में आए हैं वो सारा देख के सामंजस्य बैठा कर कि जिताओ उम्मीदवार कौन है, उसी हिसाब से टिकटें दी जाएगी। हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेयर का जो चुनाव वो डायरेक्ट हो रहा है, यानी जो जनता है वो डायरेक्ट मेयर चुनेगी। पहले पार्षद मेयर चुनते थे, लेकिन अब जनता मेयर चुनेगी और मेयर का जो चुनाव वो बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है। ऐसे में जो पार्षद है, पार्षदों को टिकटों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि मतलब बीजेपी किसी तरह की गुटबाजी का सामना न करना पड़े, कोई नाराजगी न हो, इसी को देखते हुए बीजेपी सारे समीकरण बैठाते हुए, सारा गणित बैठाते हुए उसी हिसाब से टिकटें यहाँ पे जो अनाउंस है वो टिकटें अनाउंस की जाएगी। क्योंकि आज 2 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में जो पार्षद उम्मीदवार रहेंगे उनके पास भरपूर समय अपने चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आज रात तक जो टिकटें हैं वो अनाउंस कर दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर इस तमाम जानकारी।